अग्निवीर इज बेस्ट क्योंकि 4 साल बाद हम अपना अलग करियर चूज कर सकते हैं और उसके साथ हम अपनी सिविलियन लाइफ में जाके हमारे जो साथी होंगे जो हमारे जिनके साथ हम काम करेंगे उनको हम ज़्यादा मोटिवेट कर पाएंगे कि वो कैसे काम करें, उनको डिसिप्लिन ये सब मैनर्स हम सिखा पाएंगे। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी थ्रू अग्निपथ स्कीम टू ज्वाइन इंडियन नेवी एज एन अग्निवीर। बींग एन NCC कैडेट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ डिसिप्लिनड लाइफ विच इज़ वेल रेपुटेटेड इन द वर्ल्ड। एज आई हैव नॉट ओनली फुलफिल्ड माई ड्रीम, I have also set an example for other women aspirant to join Indian Armed Forces. As Agnipath scheme is very beneficial for every individual, as it will give opportunity to young youth of the country. And this Agnipath scheme is for the betterment of the Indian economy as well. सबसे पहले तो ये not only youth बल्कि females और males दोनों के लिए है। बहुत बढ़िया स्कीम है और ख़ास करके फीमेल्स को इन्होंने आगे लाने की कोशिश किया थ्रू अग्निपथ स्कीम। सबसे पहले तो अग्निपथ स्कीम से महिलाएं और के साथ मतलब कि हम मेल्स कैडेट्स के साथ में हम काम करते हैं और ये थोड़ा टफ रहता है लेकिन जो गर्ल्स है वो हमेशा मतलब कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हर एक फील्ड में वो अच्छा कर रही हैं। इसलिए अब अग्निपथ स्कीम से हमें ये भी पता चला कि नॉट ओनली कि अदर फील्ड्स में वो डिफेंस लाइफ में भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है और उन्हें प्रूव कर रही हैं वो। अग्निपथ स्कीम द्वारा मुझे एक फौज को आसिक निजे वर्दी पिंधिक निजी प्राउड फिल करने सहित माँ बापा मान को प्राउड फिल करने सहित माँ बापा मान को बहुत प्राउड फिल कर प्रत्येक प्रत्येक जवान गोटे इच्छा थाए जे से फौज जॉइन करने बहुत इच्छा थाए तो जहाँ अग्निपथ स्कीम द्वारा से 4 वर्ष सेनारे योगदान करें बॉर्डर चारिपटे केमती सिक्यूरीटी रक्षा करने ड्यूटी रोचे विभिन्न प्रकार ये खेलकूद ये दौड़ा दौड़ी सब रनिंग सब सब प्रकार ट्रेनिंग ये एक्टिविटी चलती बहुत परिश्रम फल देश को रक्षा करने आगे कौन सी परिस्थिति एमती पड़े देश को रक्षा करने आम आगे आम निज जीवन दे रक्षा कर पार्बू। यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल एक सर्विस है भारतीय नौसेना और अभी महिला सेलर के रूप में हमने पहली बार इंडक्ट किया है और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है इसमें बिल्कुल अंतर नहीं है कि पुरुष के लिए ये ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है और महिला के लिए दूसरा स्टैंडर्ड है। दोनों मतलब अग्निवीर हैं और सारे ब्रांचेस ऑफ इंडियन नेवी में डिप्लॉय होंगे तो हम इसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। क्योंकि जब स्कीम अनाउंस हुआ था तब काफ़ी इसके बारे में डाउट्स हुए थे लेकिन अभी 16 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग मुझे अग्निवीर को देने के बाद मेरा ये ख्याल है कि अग्निवीर में और जो पहले वाले बैच मैंने पास आउट कराए यहाँ से उनमें कोई अंतर नहीं है और अग्निवीर आर इक्वली कॉम्पिटेंट और प्रॉबली बेटर ऑल्सो इन सम केसेस एज फार एज द नेवी इज़ कंसर्न। ट्रेनिंग ड्यूरेशन से ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 21 वीक्स का जो ट्रेनिंग है हमने अभी 16 हफ्ते में कंप्रेस किया है। हमने कोई भी एसेंशियल स्किल इसमें से ड्रॉप नहीं किया है उनको इनफैक्ट एक्स्ट्रा क्लास दे के हमने मेक श्योर किया है कि वो स्टैंडर्ड में बिल्कुल लोअर ना हो। मुझे ज़रूर लग रहा है कि अग्निवीर अभी आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना और भारत का नाम रोशन करेंगे। ए अग्निवीर को नहीं अनेक द्वंद्व रही राजनेता ठारु अनेक साधारण लोके चिंता करुथिले एमाने किभली भावरे देशर सुरक्षा करिवे किंतु एक कड़ा ट्रेनिंग देखिला परे लागुछि एमाने देशर ही भविष्यत आउ आगामी दिन रे ए देश को ए अग्निवीर माने ही सुरक्षा देबे। आमर ए स्वतंत्र कार्यक्रम को एठी रखुचु। नमस्कार।